कारपेंटर करनाल में आपका स्वागत करते हैं। आज आपको दिखाएंगे ड्रॉर कैसे चलाते हैं। ड्रॉर कैसे चलाते हैं, प्लीज़ चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें और ये ड्रॉर देखें कैसे चलाते हैं। ये हमने ड्रॉर बनाई है, अभी आपको दिखाएंगे वीडियो में इसको कैसे चलाते हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें और कमेंट करें वीडियो पर। प्लीज़ चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे देखें वीडियो कैसे ड्रॉर चलाते हैं। ये बक्सा है, ये 4 फुट का लंबा है और ये ऐसे 13 इंची गहरा है, ऐसे 13 इंची गहरा है, ऐसे 4 फुट है और इसमें हमने ये ड्रॉर बनाई है। ये आगे से 8 इंची ड्रॉर दिखेगी और ऐसे इसकी डेप्थ है 13.5 इंची। आगे देखें वीडियो और पूरी वीडियो देखें। और ये चैनल है, ये चैनल 12 इंच की चैनल है, आपको दिखा रहे हैं कैसे इसको लगाते हैं। ये हम स्क्रू कस रहे हैं और ये स्क्रू 5 इंच के स्क्रू होते हैं और ये 12 इंच की चैनल है और 5 इंच के स्क्रू होते हैं। ये स्क्रू दिखा रहे हैं आपको कैसे कसते हैं। ये इसमें 2 स्क्रू लगाते हैं, एक आगे स्क्रू लगा देते हैं, एक पीछे स्क्रू लगाते हैं और पूरी चूड़ी के स्क्रू लगाते हैं और ये दोनों दिखा देते हैं आपको। हमने कस दिए हैं ड्रॉर में और ये आपको डाल के दिखा देते हैं कैसे चैनल डलती है। ये चैनल आगे पीछे करके दिखा देते हैं। ये सिंपल चैनल है, सिंपल वाली चैनल होती है ये और ये 12 इंच की चैनल है और 12-13 इंच की ये दराज बनाई है हमने बार से और 2 फुट की और 12-8 इंच आपको दिखेगी ये दराज। और ये दिखा देते हैं हमने कैसे लगाए हैं। ये दोनों साइड हमने इसमें स्क्रू कस दिए हैं और ये हम आपको चैनल दिखा देते हैं, ये कैसे डालते हैं ये तरीका बता देते हैं आपको। ये सिंपल ऐसे सीधी चैनल डल जाती है, ये ऐसे बार भीतर होती है और ये जो चीज़ हम दिखा रहे हैं आपको चला के बक्से में लगेगी और ड्रॉर पे वो पत्ती लग जाती है अगले वाली, वो हमने आपको दिखा दिया है कैसे लगाते हैं पत्ती। और ये हम आपको दिखा देते हैं चैनल दोनों पूरा सेट दिखा देते हैं और ये आपको दिखाएंगे कैसे लगानी चाहिए। ये हम इसको ऐसे इधर से बटन से दबा देते हैं और ये बाहर निकल जाती है, ये ऐसे बाहर निकलती है। और अभी दिखाएंगे आपको कैसे लगाते हैं इसको। ये जैसे हमने इसको ऊपर का कवर निकाला और उधर रख देते हैं और इसको ऐसे इसके साथ लगा देते हैं। और जैसे आप 2 सुराख देख रहे हो, जितने भी आप जहाँ पे भी सुराख लगाना चाहते हो उस पर निशान लगा लेते हैं पेंसिल से और इसमें हम कील मार देते हैं। इसको हटा देंगे अभी और ये हम दिखा रहे हैं आपको निशान। ये हमने 2 निशान लगाए, इसमें हमने ये कील का निशान लगा दिया। अब इसको हम यहाँ पर रखेंगे और रख के इस पर पेंच कस देते हैं और 5 इंची के स्क्रू होते हैं। ये देखिए हम स्क्रू 5 इंची का पूरी चूड़ी का स्क्रू दिखा देते हैं आपको। ये हमने दोनों साइड रख दिया है और थोड़ी सी इसको खड़ा करने के लिए चोट लगा देते हैं और ये हम पेंचकस से इसको कस देते हैं। ये पेंचकस से हम इसको कस देते हैं और ये कसने वाले पेंच कसने चाहिए, ठोकने वाले थोड़े दिन बाद लूज हो जाते हैं। ये हमने दोनों पेंच कस दिए हैं और 5 इंची के पेंच हैं और ये आपको दिखा देते हैं डाल के कैसे डालते हैं दराज, दराज की चैनल। ये दराज की चैनल है और ये हमने डाल दी है और ये पीछे मिल गई है बिल्कुल और ये बार भीतर आपको करके दिखा देते हैं। ये दराज चलाने का तरीका होता है और आपको बक्से में भी दिखाएंगे कैसे लगाते हैं इसको। अभी हमने ड्रॉर के ऊपर ही चैनल लगाया है, अभी ड्रॉर के ऊपर चैनल लगाया है, आपको बक्से में भी दिखाएंगे कैसे चलाते हैं और ये हम आपको चला के दिखा देते हैं। और ये बक्सा है अपना, ये बक्सा 4 फुट का लंबा है और 13 इंच इसकी गहराई है
और इसमें हमने दो ड्रॉर लगाई हैं, दो दो फुट की इसमें ड्रॉर लगा दी है। और इसकी आगे की डेप्थ अभी ये दिखा देते हैं, ये 1.5 इंची है, ये चैनल लगा के 1.5 इंची है। अब हम बताएंगे कैसे इसको लगाते हैं बक्से के अंदर। ये उधर आपको माप के दिखाया था, वो 1.5 इंची है, बिल्कुल नीचे से चैनल तक 1.5 इंची होता है। और ये जो हमारी चैनल है ये 1.25 इंची की है, मतलब हम इसको बक्से से 2 सूत ऊपर उठाएंगे और ये दूसरा चैनल इसके ऊपर रख देंगे। और दूसरा चैनल इसके ऊपर रख के हम इसका भी निशान लगा लेंगे और पेंसिल से निशान लगाएंगे जहाँ पे हम स्क्रू लगाएंगे। अभी आपको रख के दिखा रहे हैं, ऐसे हम इसको रखेंगे, एक चैनल के ऊपर दूसरी चैनल रख देंगे, क्योंकि ये चैनल की मोटाई अपनी 1.25 इंची है। और ये हम आपको दिखा देते हैं, ये हमने यहाँ पे चैनल रख दिया है और इसका निशान लगा दिया है, आप देख सकते हो इसमें हमने निशान लगा दिया है। और ये हम आपको कील मार दिया है, निशान दिखा देते हैं, इसमें हम स्क्रू लगाएंगे। अभी हम दोबारा चैनल को ऊपर रखेंगे, चैनल के ऊपर रखेंगे और ये हम इसमें स्क्रू लगा देंगे। और ये स्क्रू कसने वाले स्क्रू होंगे, 1.5 इंच के स्क्रू होंगे। और ये आपको लगा के दिखाएंगे अभी कैसे लगाते हैं स्क्रू। ये बक्से के अंदर हैं, ये हम स्क्रू लगा दिया है, अभी हम आपको कस के दिखाएंगे। ये हम कस रहे हैं बक्से के अंदर, पहले हमने आपको ड्रॉर पे कस के दिखाया था, अब हम इसको बक्से के अंदर कस रहे हैं। और ये जो अपना चैनल होता है ये 1.25 इंची का होता है और वहाँ पे अपना स्पेस है 1.5 इंची का, तो 2 सूत तो हमने ये इसको मतलब बक्से के टॉप से उठा दिया है। और ये हमने चैनल लगा दिया है बक्से के अंदर और इसमें 2 स्क्रू लगा दिए हैं और 12 इंची की चैनल सेट है, 12 इंची गहरी चैनल सेट है ये हमने। अभी हम आपको दिखा देते हैं कैसे हमने दराज चला दिया है, ये हमने दराज चलाया है, अभी इसकी सेटिंग होएगी, ऊपर से कटिंग होएगी दराज की। अभी हम आपको चला के दिखा रहे हैं इसको और ये दोनों साइड की चैनल दिखा देते हैं आपको, ये दोनों साइड की चैनल दिखाई है हमने, ये अभी हम चला के दिखा देते हैं। और ये अभी ऊपरली साइड से कटेगा, अभी हमने इसको काट दिया है, अब आपको दिखाएंगे कैसे इसको अंदर डालते हैं, दराज को ड्रॉर को अंदर डालते हैं। ये हमने उठाया और ऐसे थोड़ा इसको स्लिप करेंगे और ये हम अंदर डाल रहे हैं इसको। अभी हम दोनों साइड से दिखा देते हैं और ये इसका कटआउट होता है, ये अंदर हो जाता है, ये हमने दराज को बाहर भीतर किया और ये दराज डल गई। अभी एक दराज हमने इस पे चला दिया है, दूसरी दराज चलाएंगे और ये दिखाएंगे, ये हम बाहर निकाल के दिखा देते हैं, ये अब इसमें दराज फिट हो गई है और चल गई है। अभी आपको दिखा देते हैं बाहर भीतर निकाल के ड्रॉर को, और ये 4 फुट का है, 13 इंची गहरा है और बाहर से 8 इंची दराज दिखेगी। और इसकी अंदर की हम 1.5 इंची डाउन कर देते हैं डेप्थ को और ये हम सारा आपको दिखा देते हैं, दोनों दराज हमने इसमें चला दिए। और ये आपको दराज निकाल के दिखा देते हैं, ये हमने दराज चला दिए। प्लीज़ चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइबर करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट प्लीज़ अच्छे अच्छे करना। धन्यवाद।